हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल असम। और देखिए, आज का जो टॉपिक है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो आने वाला 10 साल में करोड़पति बनने का एक ख्वाब लेके बैठा हुआ है। तो मेरा जो टारगेट है आने वाला 10 साल में 1 करोड़ रुपया जैसे भी हमको बनाना है, उससे ज़्यादा भी हम लोग बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं मैं आप लोग को विथ प्रूफ दिखाऊंगा। मैं देखिए ऐसा जहाँ तहाँ बात बोल के आपको घुमाऊंगा नहीं, इसमें डाल दो। आपको खुद को भी उसको चेक करना है, मैं जो आप लोग को टेक्निक दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं। और आज देखिए मार्केट इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि सुबह जब मार्केट ओपन हुआ तो बैंक निफ्टी लगभग 3% डाउन में था और सेंसेक्स भी था डाउन में था। टोटल आप लोग अभी भी देखिए यहाँ में रेड कलर में दिखाई दे रहा है आप लोग को, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ जो सबसे ज़्यादा जो अभी शेयर सबसे ज़्यादा बाय हो रहा है, देखिए IRFC हो रहा है, रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी हो रहा है, रेल विकास निगम हो रहा है, जियो फाइनेंस हो रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग को आने वाला 10 साल में करोड़पति बनना है, उसके लिए देखिए पहला टॉपिक क्या है, देखिए हम लोग को एक अच्छा स्टॉक ढूंढना है जो भी हम लोग होल्ड करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छा स्टॉक होना पड़ेगा, ठीक है, और ट्रेंडिंग में होना पड़ेगा, ठीक है, ये भी एक बात है। तो देखिए आज मैंने भी कुछ कुछ शेयर खरीदा है, वो ज़्यादा नहीं है, वो मैं आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। मैंने एक शेयर लिया है, मैंने आज टाटा मोटर्स का एक शेयर लिया है और मैंने टाटा पावर का 4 शेयर लिया है, वो भी आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। अभी देखिए मार्केट प्राइस टाटा मोटर्स का देखिए 812 रुपीज़ चल रहा है। तो मैंने देखिए मार्केट ओपन होते ही थोड़ा मुझे गिरावट दिखाई दे रहा था, तब मैंने एक टाटा मोटर्स का शेयर लिया था, देखिए 805 रुपीज़ में मैंने लिया था। आप लोग यहाँ में देख सकते हैं, मैं ऑर्डर हिस्ट्री में आप लोग को दिखा देता हूँ, मैं देखिए क्योंकि मार्केट गिरा हुआ था तो 805 रुपीज़ में मैंने एक टाटा पावर मतलब टाटा मोटर्स का शेयर लिया और 4 मैंने शेयर लिया टाटा पावर का, वो भी मैं आप लोगों को दिखा। यहाँ मैं देखिए 4 शेयर मैंने लिया है टाटा पावर का, देखिए 349 रुपीज़ से मैंने लिया था, अभी 353 रुपीज़ चल रहा है, एक छोटा सा थोड़ा गेन दिखाई दे रहा है। ये देखिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा हूँ तो मुझे कोई मतलब नहीं है 2 रुपया 5 रुपया नीचे मिल गया या ऊपर गया, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं SIP करता हूँ, डेली मैं कुछ ना कुछ शेयर खरीदता हूँ, ठीक है। और मेरा दूसरा पोर्टफोलियो भी है, वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा अभी। तो ये देखिए मैं ग्रो में इसीलिए दिखा रहा हूँ कि इसमें इजी होता है हम लोग को समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ में देखिए कुछ IPO भी आया है, एक मुझे दिखाई दे रहा है, IPO के बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, बाद में हम लोग समझेंगे। देखिए एक IPO आया है मेडी असिस्ट हेल्थ केयर, कुछ फार्मासी सेक्टर का है ये, छोड़िए इसमें एक्सप्लोर कर देते हैं, तो मैं डैशबोर्ड में आता हूँ। और देखिए मैं ये टारगेट बना लिया हूँ कि एवरी मंथ मुझे 10,000 के इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। उस हिसाब से अगर हम लोग करेंगे और अच्छा शेयर में अगर करेंगे तो आने वाले 10 साल में हम लोग के पास 1 करोड़ रुपया होना कोई बड़ा बात नहीं है। देखिए मैंने कौन सा शेयर होल्ड किया वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए मैं टोटली आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश करूंगा, आप अगर इसके साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हैं, लेकिन अपना स्टडी जरूर कर लीजिएगा। मुझे जो अच्छा लगा है वो मैं यहाँ में पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहा हूँ। और यहाँ में देखिए 2 शेयर मुझे ऐड करना है, एक तो देखिए अपोलो टायर और JK टायर, ये दोनों को मैं ऐड करने वाला हूँ। देखिए पहला जो शेयर है देखिए टाटा मोटर्स हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, IRFC हो गया, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, ये देखिए कल ही मैंने इसको खरीदा था, लगभग 10 शेयर मैंने लिया है, ये देख सकते हैं आप लोग, लगभग 122 रुपये में मैंने लिया है, या मैं आप लोग देख सकते हैं। एक्साइड इंडस्ट्री, टाटा पावर, IDFC, फर्स्ट बैंक, और इसमें 2 ऐड करने वाला हूँ मैं, अपोलो टायर और JK टायर, ठीक है, अभी तक मेरा जो पोर्टफोलियो है। और मैं अभी ढूंढूंगा, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोग कुछ देखते हैं, आप लोग को पॉजिटिव भी मैं दिखाऊंगा, निगेटिव भी मैं दिखाऊंगा। पहले मैं आप लोग को दिखाता हूँ निगेटिव दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए रिलायंस पावर, बहुत लोग को लगता है ये अंबानी का है, देखिए अंबानी का जियो है, ये रिलायंस जो उसके और एक कोई भाई था ना, क्या नाम है मैं भूल गया, उसका कंपनी है ये सब। यहाँ में देखिए लास्ट 1 महीने में 29% का रिटर्न दिया है, 1 साल में कितना दिया है देखिए 112% का रिटर्न दिया है, लेकिन अगर ऑल टाइम में हम लोग क्लिक करेंगे ना 93% अभी भी शेयर डाउन में चल रहा है रिलायंस पावर 93
93%। देखिए, अगर आप इस टाइम में ले लिया होता तो आज का वैल्यू इसका क्या हो जाता, 30 रुपीज हो गया। ठीक है, एक साल देख के आपको एक गेम नहीं करना है, आपको ऑल भी देखना है, ऑल टाइम हाई लो। अभी बहुत लोग इसको एक्सपेक्ट कर रहा है कि इतना 93% नीचे में मिल रहा है, रिलायंस एक अच्छा शेयर है तो आने वाले दिन में बढ़ सकते हैं, तो ऐसा कोई रिस्क ले सकता है, उसमें मैं नहीं बोलूंगा, छोटा एक अमाउंट रिस्क ले सकता है। इसी बीच देखिए, और एक शेयर में आपको दिखाता हूं, नहीं नहीं स्लूजोन, अभी मार्केट में थोड़ा हाइप बना हुआ है स्लूजोन एनर्जी, ये शेयर है। देखिए इसका अगर आप लोग देखेंगे 52 वीक लो कितना था, 6 रुपीज था 52 वीक, मतलब 2 महीना पहले 6 रुपए का शेयर था, अभी कितना चल रहा है देखिए 41 रुपीज, और 6 रुपए में जिसने लिया वो अभी तक एग्जिट कर चुका होगा, उसको प्रॉफिट मिल चुका है। इसमें देखिए लास्ट एक साल में हम लोग देखते हैं 300% का रिटर्न दिया है एक साल में, मतलब ये 1-2 रुपया बन गया था शायद ये शेयर गिर के। ऑल टाइम में हम लोग देखेंगे 64% अभी भी डाउन में चल रहा है। ठीक है, इसे टाइप का और एक शेयर है आलोक इंडस्ट्री, आलोक इंडस्ट्री, इसका प्राइस देखिए अभी 33 रुपीज चल रहा है। ऑल टाइम देखेंगे तो यहां में देखिए 100% ये हाई में था, और लास्ट 5 साल में 110%, 3 साल में देखिए 38%, कुछ भी नहीं, ये मार्केट में रुका हुआ था ये शेयर, ये सब रिक्स ही होता है। हाँ ठीक है, गेन दे सकता है लेकिन बहुत ही रिक्स है, इसलिए ये सब में हम लोग को नहीं जानना है, हम लोग को देखना है कंपनी का बैकबोन कितना स्ट्रॉन्ग है, उसी में हम लोग जाएंगे। जैसे आप लोग को मैंने कल भी दिखाया था टाटा पावर जो है ये आने वाला दिन में बहुत ही हम लोग को अच्छा रिटर्न दे सकता है, लास्ट 3 साल में देखिए 300% का रिटर्न दिया है, एक साल में लगभग 70% का रिटर्न दिया है, और आने वाला दिन में भी ये देते जाएगा, क्योंकि देखिए अभी ईवी का देखिए ट्रेंडिंग है, और आने वाला 5-6 साल में टोटली हम लोग को मार्केट में गाड़ी दिखाई देगा ओनली ईवी, और देखिए टाटा मोटर्स अभी इंडिया का किंग है। ठीक है, टाटा पावर, टाटा मोटर, टाटा इलेक्सी, टोटली अगर आप लोग देखेंगे तो ईवी सेक्टर का ही अभी मार्केट आने वाला है, तो हम लोग उसमें हम लोग उस ट्रेन में दौड़ेंगे। ठीक है, अभी देखिए 70% के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं, सिर्फ हम लोग टाटा पावर में मान के चलिए हम लोग ने 1 लाख रुपया डाल दिया, वो लमसम इन्वेस्टमेंट हो गया, और लेकिन मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग को SIP करना है, हम लोग जो डेली इनकम करते हैं उसमें से हम लोग SIP कर सकते हैं। अभी मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है और आने वाला दिन में और भी तेजी आने वाला है। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए बाहर का इन्वेस्टर भी अभी इंडियन का जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, फिर दूसरा बात देखिए अभी नया नया जो स्टूडेंट है वो लोग को भी ये समझ में आ गया है आने वाला 20 साल में हम लोग को नौकरी मिले या नहीं मिले, अगर हम लोग SIP करेंगे तो हम लोग वहां से करोड़पति बन सकते हैं। अभी कोई भी अगर हॉस्टल में रहता है उसको घर से अगर 5,000 रुपये महीने में देते हैं, वहाँ से अगर वो 1,000 इन्वेस्टमेंट करके 4,000 से अगर वो चल जाते हैं तो आने वाला दिन में उसका कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, कोई जॉब कर रहा है 30,000 का, वो भी अगर 5,000 भी महीने में SIP करेगा उसको भी बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा आने वाला 15-20 साल में। ठीक है, अभी जिस हिसाब से हम लोग को रिटर्न मिल रहा है इसका मैं हाफ पकड़ लेता हूँ, हाफ नहीं चलिए 50% पकड़ लेते हैं। देखिए ये SIP कैलकुलेटर है, आप लोग भी चेक कर सकते हैं गूगल में। ठीक है, मंथली मान के चलिए मेरा मंथली इनकम है मेरा 40-50,000 है, तो मैं 10,000 रुपये मैं यहाँ में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पीरियड में 10 साल ही डालूंगा इसमें, लेकिन देखिए जिस हिसाब से हम लोग को रिटर्न मिल रहा है, देखिए लास्ट एक साल में देखिए टाटा पावर ने कितना मतलब हम लोग को रिटर्न दिया है 70%। उसके बाद हम लोग देखते हैं IRFC, कल भी मैंने आप लोग को दिखाया था लेकिन वीडियो के लास्ट में था तो बहुत लोगों को ये समझ नहीं है, अगर फुल वीडियो आजकल कोई देखता भी नहीं यूट्यूब में ज़्यादा लॉन्ग होने से, आपको भी पता है एक साल का हम लोग लेंगे 350% दिया है। देखिए अगर हम लोग 10 अच्छा अच्छा शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एवरेज अगर हम लोग जो बनेगा ना हम लोग का
डेफिनेटली 50% तो बनेगा ही, जिस हिसाब से अभी मार्केट में तेजी आया है, ठीक है, आने वाले में और भी ऊपर जा सकता है। तो यहाँ मैं देखिए मैं डाल लेता हूँ 50%, मतलब हम लोग साल में 50% का एक्सपेक्ट करेंगे, ये थोड़ा हाई रिटर्न में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखिए मैं 50% रिटर्न के हिसाब से मैं हमें कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में जो अभी मुझे दिखाई दे रहा है 50% इजीली हम लोग को ग्रोथ मिल सकते हैं अच्छा शेयर में। तो मैं कैलकुलेट करने के लिए कोशिश करता हूँ, 10 साल में देखिए 3.3 करोड़ होता है, हम लोग का इन्वेस्टमेंट कितना है देखिए, ओनली 12 लाख, क्योंकि इसमें देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट काम करते हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा हम लोग को रिटर्न दिखाई दे रहा है 50%, ठीक है। अभी देखिए ये मैंने 10 साल के लिए डाला था, और 5 साल हम लोग और डाल लेते हैं, 15 साल डाल लेते हैं। अभी टूच देखिएगा 38 करोड़ बन चुका है, हम लोग का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है देखिए, ओनली 18 लाख रुपीज, और कितना हम लोग को रिटर्न मिला है देखिए 38 करोड़, ठीक है। 50% छोड़िए, मैं यहाँ में डाल लेता हूँ 40%, 15 साल के लिए मैं 40% डाल लेता हूँ, इतना तो मिलना ही मिलना है, 11 करोड़ बनते हैं 15 साल के लिए, अगर 40% के हिसाब से भी हम लोग को रिटर्न मिलते हैं, ठीक है। अगर ये मैं यहाँ में 20 साल डाल लेता हूँ, जो भी अभी कॉलेज में पढ़ रहा है या वो लोग के लिए है या नया से कोई जॉब स्टार्ट किया है, देखिए 81 करोड़ 20 साल में, और इसी को अगर मैं 25 ईयर्स कर देता हूँ, ₹580 करोड़, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है देखिए, ओनली 30 लाख, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, यही है मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का जो पावर। हम लोग जो बैंक में डालते हैं उसमें हम लोग को फिक्स डिपॉजिट के ऊपर में 8% देते हैं शायद एक साल में, वो हम लोग को फ्लैट देते हैं, ये इसमें हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ते हैं। और दूसरा बात देखिए, मान के चलिए ये जो हम लोग का 10,000 है, हम लोग देखिए 10 साल बाद भी 10,000 थोड़े डालेंगे, कभी हम लोग 15,000 भी डालेंगे, इस महीने अच्छा इनकम में 20,000 भी डाल लिया, कोई महीने में कुछ कम इनकम हुआ तो मैंने 5,000 डाल लिया उस महीने में, या डेली हम लोग डाल सकते हैं डेली। देखिए मेरा जो सिस्टम है डेली है, मैं म्यूचुअल फंड में भी डेली इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मैं स्टॉक मार्केट में भी डेली करते अभी जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं भी नया हूँ देखिए, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन मैंने देखे इस फील्ड के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा स्टडी किया है। उसके बाद ही मैं देखे क्रिप्टो वाला आदमी था, मैं बिटकॉइन इथेरियम वाला आदमी था, उसमें भी मैंने पैसा कमाया है, नहीं कमाने का बात नहीं है, लेकिन अभी इंडिया में क्या हुआ, बाइनेंस एक्सचेंज ब्लॉक कर दिया है, हुबी एक्सचेंज ब्लॉक कर दिया, कल इंडिया के वजीरेक्स बंद कर देगा, मुड्रेक्स बोल के एक है वो भी क्लोज कर देगा, तो क्या करेगा, हम हार्डवेयर वॉलेट में रख के कभी कभी देखते रहेगा। इसीलिए मैं स्टॉक मार्केट में आ चुका हूँ और SIP में, ठीक है। मेरा डेली जो इनकम आता है उसमें से 500,000 रुपये मैं यहाँ में डाल देता हूँ, ठीक है। बात वही है देखिए, अगर आप लोग इसको अच्छा से डीपली लेंगे ना, तो आपको 10 साल में करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। ज़्यादा कुछ नहीं देखिए, अभी IRFC आपको पता है रेलवे के टक्कर में कोई शेयर नहीं है, हम लोग को ऐसा शेयर पकड़ना है। अभी इंडिया में कार का कार सेक्टर में देखे टाटा मोटर्स के ऊपर में कोई नहीं है, ठीक है। आजकल सुजुकी भी डाउन हो चुका है, मारुति का जो भी कार था आजकल आप लोग ने देखा ही है, कुछ चल रहा है, ब्रीजा नहीं चला, बेलेटो भी कुछ चल रहा है, स्विफ्ट चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन देखे टाटा में हरियाणा के मार्केट डाउन कर दिया है, टाटा जो नया सफारी आया है आपको पता है, हम महिंद्रा कुछ टिका हुआ है, महिंद्रा का कार महिंद्रा में हम लोग जा सकते हैं, लेकिन हम लोग को क्या करना है देखिए, हम लोग को अच्छा शेयर चूज करना है। बैटरी सेक्टर में देखिए एक्साइट को हम लोग को चूज करना है, टायर सेक्टर में देखिए हम लोग को क्या चूज करना है, अपोलो टायर, जेके टायर, MRF तो खरीद नहीं सकता है, 1,36,000 का एक शेयर का वैल्यू हो गया MRF का। तो इस टाइप से हम लोग को शेयर को चूज करना है, ज़्यादा नहीं 10-15 हम लोग शेयर लेंगे और उसको होल्ड करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप लोग देखेंगे ना, हमें अगर हम लोग 30% भी पकड़ते हैं 25 साल के लिए देखेगा कितना ज़्यादा रिटर्न मिलता है, 67 करोड़ बनता है, हम लोग इन्वेस्टमेंट कितना देखें ओनली 30 लाख और मिला है 67 करोड़। यह हमें देखिए हम लोग इन्वेस्टमेंट यही है, ये जो लाइन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और बाकी सब रिटर्न है देखिए। अभी आपको बात समझ में आ गया होगा, इसीलिए स्टॉक मार्केट को हल्के में मत लीजिएगा, और आने वाला दिन में देखिए हम लोग का इंडिया का जो इकोनॉमी है वो भी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, और इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ये देखिए शेयर जो है ना, आज हम लोग को 140 रुपये हम लोग को ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना, ये आपको बाद में दिखाई देगा 2000-3000 में,
समझ गया, मैं यही समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। हमें देखिए और एक चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्विक मनी हमको कमा के दे सकता है, ई आई पी ओ। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ये हमें देखिए ये आई पी ओ आया था, 9 को ओपन हुआ था और 11 को क्लोज हो गया था, बहुत लोगों ने अप्लाई किया। तो ये भी देखिए 331 रुपीज़ में हम लोग को शेयर मिल रहा था, आज का वैल्यू देखिए 422 रुपीज़ है। देखिए ये जनवरी का बात है, 9 तारीख को ये ओपन हुआ था, 9 टू 11 तक इसका बिडिंग स्टार्ट हुआ था। मतलब देखिए आई पी ओ सबको नहीं मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो लॉटरी है, डायरेक्ट बात है, अगर मिल जाते हैं तो ये लॉटरी है। देखिए 331 में जिसको मिला है, आज का वैल्यू देखिए 422 रुपीज़ है। कल ही ये लिस्ट हुआ है, 16 को लिस्ट हुआ था, आज शायद 17 है। यस देखिए अब अच्छा रिटर्न दे रहा है ना आई पी ओ। अब ये हमें देखिए एक आई पी ओ मेरा टोटली फोकस में है, इसमें मैं भी अप्लाई करने वाला हूँ। वो आई पी ओ है देखिए, ये हमें देखिए बोट, बोट अभी हम लोग को पता है जे बी एल को टक्कर दे चुका है इंडिया में, ठीक है। ये बोट का आई पी ओ आया है तो इसमें डेफिनेटली बिडिंग करना चाहिए और 100% इसमें बहुत ही अच्छा हमको ग्रोथ मिलेगा, हो सकता है 200% तक रिटर्न मिल जाएगा जिस दिन लिस्टिंग होगा। उसके बाद ओला इलेक्ट्रिक देखे, टू व्हीलर में देखे, इसका भी देखे बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर है ओला का जो ईवी सेक्टर में, तो ये भी अच्छा हम लोग को रिटर्न दे सकता है। बजाज एनर्जी दे सकता है, गोट डिजिट भी ठीक ठाक है, ठीक है। तो आईपीओ में अप्लाई करना है, कुछ 2-3 दिन तक हम लोग का पैसा होल्डिंग में रहता है, अगर मिल जाता है तो काट लेगा अकाउंट से, नहीं तो अकाउंट में होल्ड रहेगा। तो आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं और ग्रो में अप्लाई करने के लिए बहुत ही ईजी है, यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आईपीओ में भी अप्लाई करना है टोटली ट्यूटोरियल दिखाया गया है किस टाइप से हम लोग को आईपीओ में अप्लाई करना है। तो देखिए आने वाला 10 साल में अगर हम लोग को करोड़पति बनना है तो हम लोग को एसआईपी करना है और अच्छा स्टॉक में करना है। म्यूचुअल फंड देखिए, म्यूचुअल फंड भी अच्छा है, लेकिन देखिए म्यूचुअल फंड में रिटर्न बहुत कम है। एवरेज हम 15% या 16% या 18% 20% तक पकड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं म्यूचुअल फंड में, ठीक है। मैं एसआईपी कर रहा हूँ, नहीं करने का बात नहीं है। देखिए यहाँ में देखिए मेरा एसआईपी अभी हो चुका है, देखिए कितना 66,000 का मेरा एसआईपी कंप्लीट हो चुका है, अभी 2-3 महीना हुआ है। मैं अभी इसको और ग्रो करूँगा। डेली मेरा टारगेट रहता है 500 रुपीज़ मैं एसआईपी में डालता हूँ म्यूचुअल फंड में, और बाकी जो अमाउंट होता है वो मैं डालता हूँ स्टॉक में। और आप लोग को मैं दिखाते जाऊँगा, मेरा पोर्टफोलियो भी दिखाते जाऊँगा आने वाला दिन में क्या ग्रोथ मिलता है। देखिए अभी देखिए अभी मुझे ये तो 1 महीना भी नहीं हुआ है, ये जो मैंने स्टॉक होल्ड किया है 6.46% का रिटर्न आया है, 1,373 रुपीज़ अभी तक मुझे रिटर्न मिला है। इन्वेस्टमेंट देखे टोटल 21,255 है और आज का वैल्यू देखे 22,609 है। उसी टाइप से अगर म्यूचुअल फंड में देखेंगे, देखिए मैं एसआईपी कर रहा हूँ तो ये सब देखे डेट कभी फेल हो जाता है, मैं कभी देखता नहीं हूँ किस डेट को मैंने किया है, मैं फिर से कर देता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ। तो यहाँ मैंने देखे म्यूचुअल फंड में भी आप लोग देख सकते हैं 5,500 रुपीज़ का अभी मैं प्रॉफिट में हूँ, 61,454 रुपीज़ मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, उसका बदले में देखिए अभी तक मुझे कितना भी रिटर्न मिला है। देखिए टोटल जो वैल्यू बन चुका है 66,963। और इसमें भी देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, पोर्टफोलियो मैं किस टाइप से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। देखिए म्यूचुअल फंड में देखिए सेक्टर होता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है। तो मेरा जो देखिए मार्केट कैप है किस टाइप से, देखिए लार्ज कैप में मेरा देखिए 37 का इन्वेस्टमेंट है, 37% का, टोटल 100% होते हैं ना। मिड कैप में मैंने देखिए 43% इन्वेस्टमेंट करके रखा है, स्मॉल कैप में देखिए 19%, स्मॉल कैप थोड़ा रिक्सी होता है। और देखिए इस हिसाब से मैं इसको पोर्टफोलियो को मैंने डिवाइड करके रखा है। और मिड कैप देखिए, मिड कैप जब इन्वेस्टमेंट बड़ा हो जाएगा तो मिड कैप लार्ज कैप में कन्वर्ट हो जाता है, यही है, और स्मॉल कैप मिड कैप में आएगा, ठीक है। आप लोग को मैंने दिखा दिया, देखिए मेरा पोर्टफोलियो किस टाइप से, देखिए मेरा इन्वेस्टमेंट देखिए इतना था और देखिए करंट वैल्यू इतना हो चुका है। और ये देखिए ट्रेंड अगर आप लोग देखेंगे, देखिए टोटली अप ट्रेंड में जा रहा है। और इसमें जो जो शेयर है वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा मैंने क्या क्या होल्ड किया है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही था, आप लोग को ये चीज़ फॉलो करना है, अच्छा शेयर खरीदना है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, डेली ट्रेड नहीं करना है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना ही नहीं है, आपका पैसा सब डूब जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग अपना स्टडी करते रहिएगा। ग्रो ऐप को साइन अप करना है तो आपको इसी वीडियो के नीचे में लिंक मिल जाएगा, उसमें क्लिक करके आप लोग साइन अप कीजिए। इसमें KYC फिल कीजिए, पैन कार्ड और आपको आधार कार्ड चाहिए, और आधार ई वेरिफिकेशन होता है, उसमें डरने का कोई बात नहीं है। तो यहाँ से हम लोग अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो आज का वीडियो में बस इतना ही था, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा
और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड बाय।